हेलो फ्रेंड्स तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नॉन वोलटाइल सोल्यूट एड करने के बाद सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले डिक्रीज हो जाता है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ अ सॉल्यूशन लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट तो नॉन ओल्टाइल सोल्यूट एड करने के बाद जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो लोअर हो जाता है कम हो जाता है जिससे सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सोलवेंट के मुकाबले डिक्रीज हो जाता है फिगर 2.8 में दिखाया गया है वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटांस द सोलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज हम जानते हैं किसी भी सब्सटांस के फ्रीजिंग पॉइंट पर जो सॉलिड फेज होता है सब्सटांस का वो सबस्टांस के लिक्विड फेज के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है यानी यहां पर क्या होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जो सॉलिड बनता है वो सेम रेट पे बनता है दस द फ्रीजिंग प्वाइंट ऑफ ए सब्सटांस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ दबस्टांस इन इट्स फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन दोलिड फेज तो किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस का लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके सोलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए जैसे वाटर का वाटर जीरो डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फेज में भी होता है और जीरो डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो फ्रीज uh, हो जाता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर अगर लिक्विड फेज में होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा तो उसी टेम्परेचर पर वाटर अगर सोलिड फेज पे होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उन दोनों का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का और सोलिड फेज का बराबर होगा इसे कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ए सोल्यूशन विल फ्रीज वेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलिड सोल्युएंट एज इज क्लियर फ्रॉम फिगर टू पॉइंट एट तो कोई भी सोल्यूशन कब फ्रीज होगा जब उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सोलिड सोल्यूएंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लिक्विड सोलवेंट है प्योर सोलवेंट और ये हमारा सोल्यूशन है जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्युड को एड कर दिया तो ये हमारा लिक्विड सोलवेंट है यह डेल्टा टी एफ डिग्री यानी इस टेम्परेचर पर ये टी एफ डिग्री आप देख सकते हैं इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो जाता है सोलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो जैसे ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा इसका जो वेपर प्रेशर है वो घटता चला जाता है ये आप फ्रोजन सॉल्वेंट का डायग्राफ देख सकते हैं और ये सॉल्यूशन है तो कोई भी सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के यहां पर बराबर हो रहा है यहां से हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका ग्राफ नीचे आता चला जा रहा है वेपर प्रेशर घटता चला जा रहा है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ग्राफ है तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो ये फ्रोजन सोलवेंट है इस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए यानी फ्रोजन सोलवेंट का ग्राफ और सोल्यूशन का ग्राफ जहां पर कट करेंगे वहां पर इन दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो है फ्रीज हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है टीएफ टीएफ से इसको हम डिनोट कर रहे हैं तो ये हमारा प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर ये हमारा उस सोलवेंट का या फिर सोल्यूशन का ये तो या या, तो इसे हम कह सकते हैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये फ्रीजिंग uh, पॉइंट या इसे हम कहते हैं सोल्यूशन uh, के अंदर जो सोलवेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये सोलवेंट का सोल्यूशन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ अकोर्डिंग टू राउट लो वेन नॉन वोलेटाइल सोलिड इज एडिड टू द सोलवेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड नाउ इट विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ दोलिड सोलवेंट एट लोअर टेम्परेचर राउल्स लो के अनुसार जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोलिड सोलवेंट में एड किया जाता है तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और जो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सोलिड सोलवेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये फ्रीजिंग फ्रोजन सोलवेंट ये सोल्यूशन यहाँ पर कट करेंगे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा दस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलेंट डिक्रीज इसके कारण जो सोलेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया ये सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहां पर आप देख सकते हैं टीएफ डिग्री टेम्परेचर यहां पर ज्यादा है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर ज्यादा है फिर यहां पर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम टेम्परेचर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया डिक्रीज हो गया लेट टी एफ डिग्री बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्वेंट एंड टी एफ बीट फ्रीजिंग पॉइंट वेन नोन ओलाटाइल सोल्यूट इज डिटोर इन इट तो टीएफ डिग्री क्या है प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ना कि वेपर प्रेशर टीएफ डिग्री प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर टीएफ क्या है जब हमने इस सोलवेंट में सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को एड कर दिया तो उस सोल्यूशन में जो सोलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो टीएफ है तो ये टी एफ है सोल्यूशन sol, uh, का फ्रीजिंग पॉइंट या फिर कह सकते हैं सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट अब इस सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिक्रीज आया नॉन वोटाज सोल्यूट एड करने के बाद वो आया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ डिग्री माइनस टीएफ टी एफ डिग्री क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलेंट टीएफ क्या है जब उस सोलवेंट में नॉन वोलटाइल सोल्यूट को एड कर दिया उस सोल्यूशन में सोल्युट का फ्रीजिंग पॉइंट और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो डेल्टा टी एफ आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बोलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ फॉर डायलूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिटी एम ऑफ द सोल्यूशन जैसा हमने बोलिंग पॉइंट के एलिवेशन में पढ़ा था इसी तरीके से जो फ्रीजिंग uh, पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है डेल्टा टी एफ होता है डायल्यूट सोल्यूशन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूशन की मोलिटी के लिए एम के तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ द सोल्यूशन एम ऑफ द सोल्यूशन जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आएगा वो होगा के एफ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम ये हमें याद रखनी है द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के एफ ड ऑन द नेचर ऑफ द सोलवेंट इज नाउन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर जो प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है के एफ, इस, इसको ये जो के एफ है ये डिपेंड करता है सोलवेंट के नेचर पर हमें ये याद रखना है के एफ डिपेंड करेगा सोलवेंट के नेचर पर के एफ को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या फिर ये तीनों इसके नाम है. की जो यूनिट है वो है कैलविन किलोग्राम मोल वैल्यूज ऑफ के एफ कॉमन सोलवेंट कुछ कॉमन सोलवेंट के लिए वाटर के लिए जो के एफ की वैल्यू दी गई वो वन पॉइंट एट सिक्स दी गई इथेनॉल के लिए के एफ की वैल्यू दी गई नाइन नाइन इस तरीके से आप यहां पर सारी वैल्यू देख सकते हैं अब ये वही इसकी क्वेश्चन हम निकालते हैं अब यहां पर क्या है W2 ग्राम सोल्यूट जिसका मोलर मास M2 है उस वो W1 ग्राम में किया गया। और जो W2 ग्राम सोल्यूट ऐड करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया वो डेल्टा टी एफ आया सोलेंट के देन मोलिटी ऑफ द सोल्यूट इज गिवन बाय के बाद सोल्यूट की मोलिटी हम देख लेते हैं सोल्यूट की मोलिटी क्या होगी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन क्या होगा मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम सोलवेंट का मास हमारे पास क्या है W1 है वो ग्राम में दिया गया तो इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दिया वही है इसमें फिर इसमें क्या करेंगे इसको फिर से वही है W2 टू बाय टू अपॉन डब्लू वन बाय थाउजेंट इस किससे मल्टीप्लाई इस किस से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या निकल जाएगा W2 टू इन टू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू वन ये हमारे पास आ जाएगी मोलारिटी की वैल्यू इस मोलारिटी की वैल्यू को हम इक्वेशन टू पॉइंट थ्री में पुट कर देंगे ये इस इस वाली इक्वेशन में डेल्टा पर हम M की जगह पर वो वाली इक्वेशन वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम की जगह पर हमने डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन ये वाला हमने पुट कर दिया तो यहां पर हमने सब वैल्यू पुट कर दी है डेल्टा एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे ही न्यूमेरिकल आते हैं ये हमें याद रखनी है एक याद रखनी है और एक वो याद रखनी है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम यहां से M2 की वैल्यू M2 को इधर ले जाएंगे डेल्टा टी एफ को नीचे लगाएंगे तो बस ये याद रखनी है M2 तो हम इससे निकाल सकते हैं दस फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट वी शुड नो द क्वांटिटीज W1, W2, डेल्टा टी एफ अलोंग विदर फ्रीजिंग पॉइंट तो एम टू को निकालने के लिए हमें यह सब वैल्यू पता होनी चाहिए द वैल्यूज ऑफ के एफ एंड के बी विच डिपेंड अपॉन द ने द सोलवेंट कैन बी असर फ्रॉम द फॉलोइंगस यहाँ पर के एफ और जो के बी जो, की जो वैल्यूज है ये सोलवेंट के नेचर पर डिपेंड करती है तो इनकी वैल्यू कुछ जो इनका जो फॉर्मूला है या इनकी जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले से अभी हम निकाल सकते हैं के एफ क्या है R into M1 into Tf square upon 1000 into uh, uh, enthalpy of fusion. Kb is equal to R into M1 into Tb square, 1000 into vaporization enthalpy. हेयर दिम्बल्स आर एंड एम वन स्टैंड फॉर द गैस कॉन्स्टेंट एंड मोलर मास ऑफ दोलोवेंट यहां पर जो आर है वो गैस कॉन्स्टेंट होता है और जो एम वन है वो सोलोट का मोलर मास होता है क्यों एफ वन है कैपिटल एम मोलर मास वन का मतलब सोलो एंट तो सोलोवेंट का मोलर मास और जो टी एफ और टीबी है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट का रेस्पेक्टिवली इन कैलविन तो यहां पर हम जो प्योर सोलवेंट को जनरली हम डिग्री से डिनोट करते हैं लेकिन यहां पर डिग्री से डिनोट नहीं किया गया यहां पर डिनोट किया गया है सिर्फ टीएफ से तो टी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट इन कैलविन टीबी बोलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट इन कैलविन फर्दर जो डेल्टा फ्यूजन एच है और डेल्टा वेपराइजन एच है यह है एंथेलिपी ऑफ फ्यूजन फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ द सोलवेंट जो ये यह आप यहां पर देख सकते हैं यह एनथेलपी ऑफ फ्यूजन ऑफ सोलवेंट यह है एंथेलिपी ऑफ वेपरा इजेशन ऑफ सोलवेंट तो इसमें हमें क्या करना है इनमें सिर्फ हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना है ये फॉर्मूले डायरेक्टली नीट में पूछे गए हैं फॉर्मूलों को याद रखना है इन पर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता सिर्फ फॉर्मूलों को याद रखना है हम ये फॉर्मूले डायरेक्टली पूछे जाते हैं अब यह टेबल हमने देख लिया दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें